मित्रों, जन सरोकार मंच टोंक के इस सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं कैलाश मनहर आज आपसे कुछ अपने शिक्षा सेवा के अनुभवों को साझा करने के लिए मौजूद हूँ। मैंने लगभग 38-39 वर्ष तक राजस्थान शिक्षा विभाग में स्कूल अध्यापक के रूप में सेवाएं दी और सबसे खुशी की बात यह रही कि प्राथमिक कक्षाओं से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक की कक्षाओं को पढ़ाने का मौका मिला। प्राथमिक कक्षाओं में जहाँ छोटी उम्र के बालक बालिकाओं को पढ़ाते समय महसूस होता रहा कि उनके बीच में किसी प्रकार का उन्हें भेदभाव अनुभव न हो, क्योंकि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सब जाति धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और जिस विद्यालय में मैं रहा वहाँ भी सभी जाति धर्मों के बच्चे पढ़ते थे। मैंने सबसे पहले अपनी ज़रूरत यह समझी कि इन बच्चों को आपसी धर्म और जातियों के बारे में किसी प्रकार का भेदभाव महसूस न हो। मित्रों, छोटी उम्र ऐसी उम्र होती है कि जिस समय बच्चों के मन में जिस प्रकार के विचार भर दिए जाएं, वैसे ही वे भविष्य में बन जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश रखी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन करते समय, और ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि कई बार तो निम्न जातियों के दलित वर्ण के बच्चे और उनको मैं एक पंक्ति में बैठाते हुए अन्य बच्चों के साथ में समानतापूर्वक व्यवहार करने के बारे में अपना वातावरण बनाता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे सबसे बड़ी अजीब स्थिति जो लगती थी वो ये लगती थी कि बच्चों को जैसे जब बच्चे लोग ईश वंदना ईश प्रार्थना कर रहे होते थे या अपनी कापियों के ऊपर सरस्वते नमः जय श्री राम लिखते थे, तो मैं उन्हें अक्सर टोकता रहा, क्योंकि मेरी समझ में शिक्षा का मूल अर्थ बच्चे के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को उभार कर सामने लाना था। किसी के ऊपर निर्भर रहने की मेरी समझ नहीं थी। मैं बच्चों को यही समझाता रहा कि तुम जो कर सकते हो वो करो। अगर कोई बच्चा गणित में कमजोर है, अगर उसे विज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसे हिंदी शुद्ध लेखन में परेशानी हो रही है, तो मैंने उनसे ये कहा कि तुम मैं बोलता हूँ तुम लिखो। और मैंने श्रुति लेख बचपन में करवाए, अपने खुद के बच्चों तक को करवाए, घर में भी करवाए श्रुति लेख। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी यह रहा कि आपका खुद का उच्चारण सही होगा तो बच्चे शुद्ध लिखेंगे। मैंने पूरा ध्यान रखा कि मात्राओं का उच्चारण छोटी की और बड़ी की का खूब और खूब का बहुत और बहुत का बच्चों को बचपन में ही अंदाज बैठ जाना चाहिए। ये स्वर और व्यंजनों की बातें मात्रा के रूप में बच्चों को समझाते समय प्राथमिक कक्षाओं में मुझे उनके जैसा ही बनना भी पड़ता था। जब तक आप बच्चों के साथ बच्चे बनकर नहीं पढ़ा सकें तब तक बहुत कठिन होता है पढ़ा पाना।
बच्चों के भीतर में बहुत कुछ छिपा होता है, उनके अंदर की प्रतिभा को ढूंढना, उनके अंदर की प्रतिभा को बाहर लाकर उन्हें इस योग्य उन्हें यह समझाना कि तुम में यह है। कई बार उनको खुद को भी पता नहीं होता कि वे क्या कर सकते हैं, उनको यह समझाना कि तुम ये कर सकते हो, ये बहुत एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी काम है। एक शिक्षक के रूप में जब मैं सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में गया तो वहां वातावरण कुछ अलग किस्म का था। बच्चे 16-16, 17-17 साल के आम थे 11वीं-12वीं में, और उन बच्चों से आपका आत्माभिव्यक्ति करना, उन बच्चों से अपने अनुभव साझा करना, उन बच्चों से अपनी समझ को समाहित करना बहुत मुश्किल काम होता जाता। ऐसे समय में जरूरी लगा मुझे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चीजें बच्चे रुचि के साथ पढ़ें। और मैं आपको बहुत अलग किस्म की बात बता रहा हूं, ये कि 10वीं कक्षा में पढ़ाते समय, 9वीं में पढ़ाते समय, 11वीं-12वीं में पढ़ाते समय, मैं जहां तक हो सकता था रचनाकारों से, और जो रचनाकार नहीं रहे थे तो मेरे से वरिष्ठ लोगों से बच्चों का सीधा संवाद करवा देता था। 9वीं कक्षा में यमराज की दिशा नाम का एक पाठ था, कविता थी चंद्रकांत देवताल जी की, और संयोग ऐसा था कि इधर उधर पढ़ते समय देवताले जी के नंबर मैंने ले लिए थे पत्रिकाओं में से। और 9वीं कक्षा में जब यमराज की दिशा पढ़ाते समय मैंने देवताले जी को नंबर मिलाया, अब वे नहीं है, लेकिन आप बहुत खुश होंगे ये सुनकर के, आपको आश्चर्य होगा कि देवताले जी खुद प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, कहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। मैंने कहा, सर 9वीं कक्षा में हमारे यहाँ आपकी कविता है यमराज की दिशा, और बच्चे चाहते हैं कि आपके मन में यह कविता लिखने की कैसे जगी होगी उत्सुकता, कैसे भावना जगी होगी, कैसे आपने ये कविता लिखी होगी। और मैंने स्पीकर पर फोन खोल के और बच्चों को जो सुनाया, बच्चों ने खुद ने भी सवालात किए चंद्रकांत जी से। और आप ये देखें कि वो पाठ और उस पाठ के बाद में अन्य पाठों पर भी इसका असर पड़ा। बच्चों ने ये समझना शुरू कर दिया कि लेखक, कवि, रचनाकार, चाहे वे तुलसीदास रहे हों, चाहे सूरदास रहे हों, ये भी एक सामान्य मनुष्य जैसे, ये मरना पता नहीं वे उन्हें क्या मान के चल रहे होते हैं। चंद्रकांत जी ने जब बात करी 9वीं कक्षा के बच्चों से तो आप ताज्जुब करेंगे कि बच्चे बहुत खुश थे, और उन्होंने घर जाकर बताया। इसी तरह 10वीं कक्षा में ऋतुराज जी की कविता थी लड़की लेकर के, कन्यादान नाम से, कन्यादान शीर्षक से, मैंने ऋतुराज जी से बात करवाई, और ऋतुराज जी ने जब ये चीजें समझाई बच्चों को, एक स्वावलंबी लड़की के रूप में, एक आत्मविश्वासी लड़की के रूप में, तो बच्चों को वो चीजें समझ में आना स्वाभाविक सी प्रक्रिया बन गई। मैंने ये कोशिशें करी, और मैं अपने साथी अध्यापकों से कहना चाहता हूं कि इधर उधर पत्रिकाओं में ऐसे लेखकों के, रचनाकारों के नंबर मिल जाते हैं, और उनसे अब तो सीधे आप वीडियो से भी बात करा सकते हैं, उनसे तस्वीर से भी बात करा सकते हैं। साथी अध्यापक अगर चाहें तो इस प्रक्रिया को काम में ले सकते हैं। राजेश जोशी की कविता, बच्चे काम पर जा रहे हैं,
मैंने राजेश जी से बात करी और आप ताज्जुब करें, एक शब्द है, बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में, हस्ब मामूल। और एक बच्चे ने राजेश जी से पूछा, सर हस्ब मामूल का मतलब हमारे गुरुजी साधारणतया बता रहे हैं, साधारण बता रहे हैं, क्या ये सही है? राजेश जी ने कहा हाँ बेटा सही है। तो बच्चे ने देखे कितनी गहराई से राजेश जी से पूछा कि आपने हस्ब मामूल काम में क्यों लिया, आप साधारण क्यों नहीं काम में लिया आपने? और उस दिन मैं बड़े ताज्जुब में पड़ गया कि राजेश जी खुद निरुत्तर से मुझे लगे। उन्होंने कहा बेटा उस समय मेरी रचना प्रक्रिया में हस्ब मामूल ही मुझे याद आया, बाकी साधारणतया भी काम में ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो बच्चे इन चीजों को समझ सकते हैं। बच्चे मैं दुष्यंत कुमार की हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए पढ़ाते समय, जब पहले दिन पढ़ाना मुझे पता लगा कि कल मुझे पढ़ाना है तो मैं घर से साय में धूप ले गया, साय में धूप मेरे पास थी, और मैंने बच्चों से कहा कि देखो इसमें दुष्यंत जी की गजलें हैं पूरी, और मैंने कहा कि ये दो गजलें जो तुम्हारे कोर्स में, इसके अलावा भी गजलें हैं, और मैंने बच्चों को अलग अलग गजलें भी कही सुनाई। ये आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। शिक्षा अपने आप में रुचिकर बनना और स्वाभाविक बनना जरूरी है। जब तक शिक्षा स्वाभाविक नहीं बनेगी, रुचिकर नहीं बनेगी, जब तक उसे थोपे जाने से दूर नहीं किया जाएगा, बच्चों को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर शिक्षक या पाठ्यक्रम बनाने वाले लोग विचार थोप रहे हैं, ऐसा बच्चों को लगना नहीं चाहिए। दुष्यंत जी की गजलों की बात मैं कर रहा हूँ, राजेश जोशी की कविता की बात मैं कर रहा हूँ, चंद्रकांत जी से मेरी बातचीत की मैं बात कर रहा हूँ। आप 12वीं कक्षा में या पता नहीं 11वीं में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, भूल गया हूँ, 6-7 साल हो गए मेरे को, आलोक धनवा जी की कविता पतंग थी, पतंग का एक हिस्सा था हमारे पास में, और मैंने आलोक जी से फोन करा और आलोक जी से जब स्पीकर पे बात हुई बच्चों की, तो आलोक जी ने बताया कि साइकिल चलाते हुए टन टन की घंटी बजाते हुए शरद आ रहा है, ये शरद शरद का मान्यकरण है, जैसे जैसे कोई मनुष्य घंटी बजाते हुए खाली सड़क पर आ रहा हो, मानव उस तरह है। तो इसे सुनकर के बच्चे ये सोच करके ही बड़े आश्चर्यचकित है कि इतने बड़े कवि से गुरुजी बात करा रहे हैं, और कवि खुद हमसे बात कर रहा है, बच्चे उनसे बात कर रहे थे। तो मुझे बड़ा इसी तरह से 11वीं कक्षा में राजस्थान की रजत बूंदें एक पाठ था, राजस्थान की रजत बूंदें अनुपम मिश्र ने लिखा था, और वह आज भी खरे हैं तालाब का हिस्सा था। मैं राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ाने के लिए पहले ही दिन निकाल करके और आज भी खरे हैं तालाब कक्षा में ले गया, और मैंने आज भी खरे हैं तालाब जैसे ही बच्चों के सामने किताब निकाली, बच्चे खुश हो गए, और उसमें से हिस्सा देखा जब उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि किताब आप गुरुजी पढ़ते हैं? उनका बिल्कुल पढ़ता हूं, जब ही तो लेके आया हूं बेटा, मेरे पास ही किताब थी जब ही तो। उन्होंने कहा कि ये चीजें सामान्य है, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य है। अनुपम जी JLF में और यहाँ जयपुर आते समय मिले हुए भी थे, अनुपम जी के गांधीवादी विचारों के बारे में मैंने बच्चों को बताया कि अनुपम जी कैसे गांधीवादी हैं, सामान्य रूप से कुर्ता पाजामा में रहते हैं और आम मनुष्यों जैसे मनुष्य हैं। तो बच्चे इतने खुश हुए कि, और फिर देखे उसी के बाद 12वीं कक्षा में भवानी बाबू की, भवानी प्रसाद मिश्र की घर की याद मैं पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि 11वीं कक्षा में जो राजस्थान की रजत बूंदें तुमने पढ़ा था बेटा, ये उन्हीं के पिताजी हैं भवानी प्रसाद जी, उनका सर ये बिल्कुल, जब पिता गांधीवादी थे जब ही तो बेटा गांधीवादी बना है दोनों में। तो इन चीजों का बच्चों पर बहुत असर पड़ता है। मैं ऐसे छोटे छोटे प्रयोग कक्षाओं में करता रहा, ऐसी छोटी छोटी बातों में मैं बच्चों को शामिल करता रहा, और सबसे बड़ी बात जो मैंने कोशिश करी अपने अध्यापन के समय में वो ये करी मित्रों कि मैं बच्चों से रूबरू रहता था,
मैं बच्चों से सीधी बातचीत करता। सीधी बातचीत में बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, प्रभावित इतने होते हैं सीधी बातचीत में कि आप बच्चों को अर्थ बताइए मत, बच्चों से अर्थ कहलवाइए। बच्चों से हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस मुहावरे का, इस कहावत का अर्थ बच्चे बताने चाहिए। हाँ, हम तो समझ रहे हैं, हम तो उसकी व्यंजना में और लाक्षणिकता में जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जाए हैं, ये बहुत जरूरी है। और मैं आपसे बताऊं कि इन चीज़ों में मैं वास्तव में सफल भी नहीं, लेकिन सार्थक तो जरूर रहा। सफलता एक अलग विषय है, मैं सार्थकता को ज़्यादा महत्व देता रहा। तो मुझे याद आता है, एक बार मेरे मित्र साहित्य आलोचक हैं राजा राम भादु, उन्होंने मेरे से एक बार कहा कि कैलाश, कोई ऐसा चरित्र तुम्हारे अध्यापन समय में, शिक्षण कार्य के समय में आया जिसे तुम याद रख पा रहे हो, कोई बच्चा कोई? तो मैंने कहा हाँ, ऐसे बहुत से आए। बोले कोई ऐसा बच्चा याद करो जो हाशिए के समाजों से हो, जो ऐसे समाजों में हो जिनमें शिक्षा बहुत कम पहुंच पाई हो, और जिसके साथ तुमने आत्मसात करके और कुछ रचनात्मक चीज़ की हो। तो मुझे मित्रों अचानक, मैंने कहा हाँ मुझे याद है, शंभू था नाम उसका, और बंजारा समुदाय से था, और बंजारा समुदाय एक जगह टिक के नहीं रहता, इधर उधर भटकते रहते हैं वे लोग, हर साल दो साल में जगह बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा, मुझे एक राधेराम जी ने कहा, मुझे इस पर एक रेखा चित्र क्या तुम लिख सकते हो? तो मैंने शंभू को लेकर के, शंभू की यादें आई मेरे दिमाग में, और मैंने शंभू को याद किया। और आप देखिए बच्चों की समस्याएं कहाँ हैं कि बंजारा समुदाय के बच्चे मेरे खुद के स्कूल में, ये क्या प्रशासन गांवों की ओर एक योजना थी सरकार की, प्रशासन गांवों की ओर योजना में सब तरह के प्रमाण पत्र वगैरह बनाने के लिए अधिकारी लोग आए हुए हैं, और वह शंभू भी जाता है उनके पास में, और शंभू को वे निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए मना कर देते हैं। वह पहले तो पंचायत के सचिव के पास जाता है, पंचायत का सचिव अच्छी तरह से जानता है, वो मना कर देता है, नहीं तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा राशन कार्ड भी नहीं है, तुम्हारा निवास प्रमाण पत्र नहीं बन सकता। तो वह तहसीलदार के पास जाता है, और तहसीलदार कहते हैं कि नहीं, पंचायत वाले जब तक नहीं बना के देंगे तब तक मैं कैसे बना सकता हूं। और इस समस्या को मैंने उस रेखा चित्र में अभिव्यक्त किया, उभारने की कोशिश की कि बंजारा समुदाय आज भी इस तरह का समुदाय है कि एक जगह स्थायी तो रहता नहीं, और समस्या यह होती है कि उनको कोई निवास प्रमाण पत्र भी बना के देने वाला नहीं है। मैं उसके साथ, शंभू के साथ में लगभग दो साल वे टिके रहे। उस शंभू ने लगभग 62% अंकों से सीनियर सेकेंडरी कक्षा पास करी। वे लोग, उससे मैंने पूछा था तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से भटकते हुए, गंगापुर सिटी से, और फिर बीच में सवाई माधोपुर, और इस तरह चलते हुए वे मेरा जो गांव था खोरा लाडकानी वहाँ आए थे। 1.5-2 साल तक कोशिश करने के बावजूद मेरा तहसीलदार से मुंहजोरी भी कुछ हुई, थोड़ी बहुत बातचीत भी मुझे करनी पड़ी, और अंत में तहसीलदार को वह निवास प्रमाण पत्र बना के देना पड़ा। तो हमें बच्चों के साथ में मिलजुल के रहना पड़ता है। शंभू हाशिए के समाज का लड़का था, वो अब बस सीनियर हायर सेकेंडरी करने के बाद में संभवतया अगर कुछ अच्छी जगह पर काम कर रहा होगा, मेरी दुआएं उसके साथ हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा, वह सही जगह होगा। तो ये छोटी छोटी बातें शिक्षण कार्यों में आपका हिस्सा बन सकती हैं। आज के अध्यापकों के लिए, और विशेष रूप से विद्यालय शिक्षकों के लिए, देखिए महाविद्यालयों के और विश्वविद्यालयों के शिक्षक तो इतने आत्मसात, इतना जुड़ाव उनका होता नहीं है बच्चों के साथ में, लेकिन विद्यालय शिक्षकों के लिए खास तौर से यह जरूरी है कि हम बच्चों से जुड़ें, बच्चों के साथ में स्वाभाविक रूप से अपनी चीज़ें शामिल करें,
उन मैं बच्चों से इस तरह से जुड़ते हुए मैंने ये छोटे छोटे प्रयोग किए। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो आती है हमारे यहाँ कि अध्यापकों में कई बार ऐसी मनोवृत्ति होती है कि वे खुद भी इन जाति धर्म के मुद्दों में अटके हुए होते हैं। अध्यापकों को इन सब से दूर रहना चाहिए। ये आप मैं जब मैं बता रहा हूँ बंजारा समुदाय के और ये हरिजन समुदाय जाति के बच्चे भी जब सीनियर पास करके बहुत अच्छे अंकों से निकले हैं, अगर शिक्षक उनके बीच में फर्क करेगा तो ये बहुत गलत चीज होती है। शिक्षकों को जाति और धर्म के आधार पर बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिक्षा का और मैं आपसे बात बताऊं कि लगभग कई बच्चे ऐसे रहे जो ये चाहते थे कि हम विज्ञान पढ़ें, हम वाणिज्य में जाएं, हम 12वीं के बाद में, तो वो लोग उन लोगों के साथ मैं कई बार साथ भी गया उनके प्रवेश वगैरह के लिए, उनके प्रवेश करवाए। और मुझे ताज्जुब की बात ये लगी कि बहुत अच्छे अंकों से 70-72% अंकों से पास करने के बाद में, सीनियर हायर सेकेंडरी पास करने के बाद में बच्चे ये कहें कि मैं ड्राइंग सीखना चाहता हूँ। ड्राइंग और ये नहीं कि चलो 11वीं 12वीं के में 35-40 ड्राइंग को ऐसा सब्जेक्ट माना जाता था, ऐसा विषय माना जाता था कि कमजोर बच्चों को अगर कोई विषय नहीं मिले तो ड्राइंग में घुसेड़ दो। तो हमारे एक साथी थे समदर सिंह खंगारोद जी, बहुत अच्छे चित्रकार हैं, इस समय राजस्थान के वरिष्ठ चित्रकारों में उनका नाम है। वे कहते थे ये कोई बात नहीं हुई कि कमजोर बच्चों को ड्राइंग दे दो। मैं पूरी उनकी साक्षात्कार करके पूरा इंटरव्यू लेके अच्छे बच्चों को ही ड्राइंग में प्रवेश दूंगा। और आप देखिए कि 65-65 तक, उस आज से 10 साल पहले 65-70% कम नहीं हुआ करते थे, 65-65, 70-70% अंक वाले बच्चों ने ड्राइंग में लिया और ड्राइंग से वे अच्छे आर्टिस्ट बने। उनमें बहुत से बच्चों ने राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किए और वो उनकी जो भीतरी छुपी हुई अभिव्यक्तियाँ थी वे उजागर हो सके। तो ये बच्चों के लिए ये जरूरी है कि वे अध्यापकों से अपना सारा दुख दर्द कह सकें। वैसे ही अध्यापकों के लिए भी जरूरी है कि बच्चों की समस्याओं के साथ में वे शामिल हों, बच्चों की सब चीज़ों को वे समझ सकें, बच्चों के बारे में थोड़ा ध्यान से और अपनी शिक्षण को प्रभावी बनाने की कोशिश करें। एक और छोटी सी बात यह है कि धर्म का ऐसा प्रभाव हमारे विद्यालयों में फैल गया है कि सरस्वती मंदिर हो सकता है लेकिन नमाज पढ़ने की जगह नहीं होती। तो मैंने कभी बच्चों को इसके लिए भी दबाव में नहीं लिया कि वे अनावश्यक रूप से कोई सरस्वती मंदिर या नमाज के लिए भी अपना समय निकालें। मैंने बच्चों से यही कहा कि तुम अपनी तार्किकता और अपनी खुद की समझ को, अपने विवेक को काम में लो, तुम्हें जैसा जरूरी समझता है वैसा तुम्हें करना चाहिए। ये कुछ शिक्षा के बारे में देवेंद्र जी मेरी बात हुई आपसे। और इस समय मैं अब हाँ ये महेश जी सही, सरकार किसी को भी शंभू बना देती है लेकिन शिक्षक उसको शंभू को भी शंभू दयाल बना सकता है। ये शिक्षक की जिम्मेदारी है कि शंभू को शंभू दयाल बनाए। ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि हम अगर साथ दें तो उसको शंभू दयाल भी बना सकते हैं। और मुझे पता लगा है कि उस लड़के ने एसटीसी की परीक्षा तो पास कर ली थी, बाद में वह अध्यापक बनाया नहीं बना, बाद में वो लोग चले गए छोड़ करके काम, लेकिन उसने एसटीसी की कंपटीशन पास कर ली थी, ये मुझे अच्छी तरह पता है शंभू ने, जो शंभू दयाल बंजारा, मुझे बहुत खुश याद आता है उसका। ये मैंने उसमें रेखा चित्र में कहा भी है कि सांवला सा चेहरा और सफ़ेद दंत पंक्ति
और हमेशा मुस्कुराता रहने वाला वह बच्चा मुझे मतलब इतना प्रभावी था शंभू कि मुझे उसकी याद गाए बगाए हमेशा आ जाती है। और उस रेखा चित्र का मुझे शीर्षक याद आ रहा है, ठिया है ना ठिकाना सारा जहां हमारा। ये बंजारों की ऐसी स्थिति है, ठिया है ना ठिकाना सारा जहां हमारा। ये मैंने कुछ अपनी बातें आपके साथ साझा करी हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और आप लोगों की जो कोई ऐसी हाँ पवन जी धन्यवाद, आपने मेरी भावनाओं को समझा और ये ध्यान दिया मेरे ऊपर। मैं यही चीज़ें शामिल बस शिक्षकों से इतना सा जरूर इस बुढ़ापे की उम्र में ढलती हुई उम्र में शिक्षकों से ये जरूर मैं आग्रह रखूँगा और भी आगे निवेदन रख करूँगा कि बच्चों में धर्म जाति का भेदभाव न करें, बच्चों को बच्चों की तरह अपने बच्चों की तरह। आप ये देखिए कि आपकी दी हुई शिक्षा बच्चे के उम्र भर जीवन भर काम आती है। एक बार तो वह माता पिता की दी हुई चीज़ों को भी भूल जाता है जितनी शिक्षक की दी हुई बातों को वह नहीं भूलता। तो मैं अपने साथी अध्यापकों से मेरा यही विनम्र अनुरोध कहें आग्रह कहें है कि किसी प्रकार के जाति धर्म का भेदभाव बच्चों के साथ में नहीं करना चाहिए, गरीब अमीर का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये विशेष खुशी की बात है कि सरकारी विद्यालयों में कम से कम गरीब अमीर का तो फर्क नहीं होता है। तो हाँ सही है केदार जी, आप सही कह रहे हैं कि ये सरकारी विद्यालय ये आप एक बात मैं जरूर कहूँगा कि पिछले दिनों में सरकारी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम भी कोई निजी विद्यालयों से कमज़ोर नहीं रहे हैं। और मुझे खुशी की बात है कि मैंने हिंदी पढ़ाई बच्चों को, और ऐसे उस समय में हिंदी में 85% अंक लाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था उन, लेकिन बस यह है कि उन्हें सामान्य रूप से जैसे समदर सिंह जी खुद चित्र बनवाते थे और बड़े चित्रकारों के चित्र दिखाते थे, जैसे और कोई टीचर मैथ के टीचर खुद ले सवाल अपने बनाए हुए सवाल करवाते हैं, उसी तरह से मैंने बच्चों के सामने अपने रचनाकारों से साक्षात करवाते हुए और उन्हें पढ़ाने की कोशिश की। इसके लिए मैं और आज देवेंद्र जी ने मेरे अनुभवों को साझा करने के लिए मुझे ये मंच दिया जन सरोकार टोंक का, उसके लिए मैं उनका ऋणी हूँ आभारी हूँ। मैं अब आपको अपनी कुछ साहित्यिक रचनाओं की ओर ले चलता हूँ, कुछ साहित्यिक की बात हो जाए। ये क्यों आप सब चाहेंगे कि कुछ कविताएं सुना दूँ? अगर आप कमेंट में बताएं तो मैं बहुत अच्छा है, कुछ कविताएं भी सुना देता हूँ मैं। लगभग आधा घंटे तक मैंने शिक्षा के लिए बात करी है, शिक्षा हाँ महेश जी बिल्कुल जब भी मिलेंगे इन अनुभवों को साझा करेंगे, बिल्कुल सही। तो शिक्षा कला साहित्य संस्कृति इन सब का आपस में मेलजोल है, तो मैं शिक्षा के साथ साथ अब कुछ साहित्य की भी बातें आपसे करता चलता हूँ। मैं कुछ कुछ जो सामान्य चीज़ें हैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ। देखिए एक कविता सुनाता हूँ आपको सबसे पहले, और ये संभवतया आप इसको समझ में कविता थोड़ी लंबी है, कविता है दुख। किसी नटखट बच्चे की तरह आया करता था शुरू शुरू में, किसी नटखट बच्चे की तरह आया करता था शुरू शुरू में, और मुंह चिढ़ाते हुए भाग जाता था इधर उधर कई बार। किसी नटखट बच्चे की तरह आया करता था शुरू शुरू में, और मुंह चिढ़ाते हुए भाग जाता था इधर उधर कई बार। मेरी बाजू में पिंज वाकर छुप जाता था, और फिर जैसे तो दिल खुल गया उसका मेरे ध्यान न देने से। बस
एक दिन रास्ते के बीचों बीच ठोकर की तरह आया दुख, एक दिन रास्ते के बीचों बीच ठोकर की तरह आया और सीधे पैर के अंगूठे से उठी जो पीड़ा की तन्नाती लहर की झन्ना गया शरीर और दिमाग, एकदम बचा मैं गिरने से और पत्थर को उठाकर रख दिया किनारे मैंने आदतन एक तरफ। वह इच्छा और तृष्णा की तरह भी आया कई बार, वह इच्छा और तृष्णा की तरह भी आया कई बार, ताजगी और खुशी के अभाव की तरह भी, और कपकपाते शीत, कड़क धूप और बाढ़ की तरह भी आया। भूख और प्यास और बीमारी की तरह भी अक्सर, और सरकारी आदेश की तरह अधिकार जताता हुआ मेरे अस्तित्व पर कि पुलिस या जुल्म की तरह भी रात बिरात आता रहा अंधेरे में खड़काता लाठियां। कई बार तो रूप बदलकर सुख की तरह भी आया वह, कई बार तो रूप बदलकर सुख की तरह भी आया वह, लोभ और लालसा की तरह तो अनेक बार आया, और पश्चाताप की तरह भी आया दिल के करीब, कई बार आत्मग्लानी की तरह भी आया पिघलाता हुआ मेरे अस्तित्व को, डर और अपयश की तरह भी आया, पराजय की तरह और यात्रा की थकान की तरह अचानक भी आया अपनों से विलगाव के क्षणों में, अचानक भी आया अपनों से विलगाव के क्षणों में, आतंकित करता हुआ मेरे रोम रोम को छिजाता हुआ, आंसुओं की तरह भी आया और स्मृतियों की तरह भी चुपके से आया, प्रेम और मोह की तरह भी आया मेरे भीतर और आस्वाद की तरह भी, और अब तो वह मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूं उसके आने का कि यदि वह नहीं आता तो मैं नहीं रहता मनुष्य भी। अब तो मैं इतना अभ्यस्त हो चुका हूं उसे सहने का कि जब वह नहीं आता तो मैं नहीं रहता मनुष्य भी। ये एक कविता मेरी थी कि मैंने किस तरह से दुख को अपने जीवन में समझने की कोशिश की। एक सोनेट सुना रहा हूं मैं आपको, त्रिलोचन जी ने सोनेट, हमारे बाबा त्रिलोचन ने सोनेट लिखे हैं, तो मैंने उसी रास्ते पर चलने की थोड़ी कोशिश करी है। एक सोनेट है, ध्यान दीजिएगा महेश जी पवन जी। पाखंडों के अंधकूप में निपट मूर्ख जन हैं नहीं जानते छद्म तुम्हारा, पाखंडों के अंधकूप में निपट मूर्ख जन पड़े हुए हैं नहीं जानते छद्म तुम्हारा, और मुक्ति के धोखे में वे स्वर्ग समझकर भोग रहे हैं कुंठाओं की कलुषित कारा, सुखानुभव की तंद्रा में अलसाए सारे भक्ति भाव में मग्न आत्मविस्मृत बेचारे, वायवीय मिथ्या विकास के षड्यंत्रों में देख रहे हैं दिवा स्वप्न में दीमित तारे, सुखानुभव की तंद्रा में अलसाए सारे भक्ति भाव में मग्न आत्मविस्मृत बेचारे, वायवीय मिथ्या विकास के षड्यंत्रों में देख रहे हैं दिवा स्वप्न में दीपित तारे, हाय हाय देश में निर्मम वधिक समय आया है, हाय देश में निर्मम वधिक समय आया है, सत्ता सुख ने श्रम निष्ठा को भरमाया है, राष्ट्रवाद का घृणित रूप लज्जास्पद देखो पूज्य बन रही प्रवंचकों की छल माया है, शोषण के षड्यंत्र जाल जंजाल बने हैं, शोषण के षड्यंत्र जाल जंजाल बने हैं, शासन के दुर्गंधित जबड़े रक्त सने हैं, शासन के दुर्गंधित जबड़े रक्त सने हैं। यह एक सोनेट की परंपरा में कविता थी, संभवतया आपको अच्छी लगी हो। कुछ और छोटी छोटी कविताएं सुना रहा हूं मैं, ये और ये समझना चाह समझा भी ना भी जरूरी समझता हूं कि शिक्षा और साहित्य के बिना मनुष्य बने रहना बहुत कठिन कर्म है। मित्रों, साहित्य और कविता हमें मनुष्य बनाती है, शिक्षा उस मनुष्यता का विकास करती है। मैं एक दो एक और छोटी छोटी कविताएं सुना रहा हूं।
देखिए, मैं कोई कविता लिख रहा हूंगा जब, मैं कोई कविता लिख रहा हूंगा जब संसद में चल रही होगी बहस कि क्यों और कितना जरूरी है बचाना कानून को कविता से होने वाले खतरे पर। चिंतित सत्ता और प्रतिपक्ष के सांसद कानून की मजबूरी के बारे में सोच रहे होंगे वातानुकूलित सदन में, बाहर की उमस और गर्मी से बेखबर। मैं कोई कविता लिख रहा हूंगा जब मंदिरों में गूंज रहे होंगे शंख और घड़ियाल, मंदिरों में गूंज रहे होंगे शंख और घड़ियाल, मस्जिदों में अजाने कि शैतान अब कविता की शक्ल में आया है, चर्च में प्रार्थना कर रहे होंगे यीशु के हत्यारे। ऐसा ही होगा शायद, ऐसा ही होगा शायद कि मैं कोई कविता लिख रहा हूंगा जब तोप के मुंह पर बैठी होगी चहकती चिड़िया, मैं कोई कविता लिख रहा हूंगा जब तोप के मुंह पर बैठी होगी चहकती चिड़िया। एक कविता देखिए, खुलता हूं किसी वीरान बीहड़ में बनी कोठरी के जर्जर किवाड़ों की तरह चरमराता, खुलता हूं किसी वीरान बीहड़ में बनी कोठरी के जर्जर किवाड़ों की तरह चरमराता, खुलता हूँ किसी दुर्गम पहाड़ की तलहटी के गहवर में धुंधलाई आंखों की तरह सरसराता, खुलता हूँ किसी सूखे हुए पोखर के डूहे पर दीमक की बांबी से निकलती मिट्टी सा भुरभुराता, खुलता हूँ किसी पके हुए फोड़े के मुहाने की नोक पर पैनी धार की तरह थर तराता, खुलता हूं ताजा हवा के लिए उजली हंसी के लिए सच की तलाश में जीवन की आस में बार बार खुलता हूं, खुलता हूं। एक और कविता सुना रहा हूं, अभी 5 मिनट हो रहे हैं आपको, 5 मिनट में दो एक कविताएं और सुनाना चाहूंगा। हाँ देखिए, ये कविता महेश जी देवेंद्र जी, ये कविता मैं खास तौर से सुनाना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को, श्रोताओं को। पूछूंगा किसी आत्मीय से कभी कि कहाँ तक जा सकते हैं हमारे संदेश, और जा भी सकते हैं क्या पूरे के पूरे वैसे ही जैसे हम चाहते हैं भेजना। कई बार सोच सोच कर पूरी तरह हम भेजना चाहते हैं तनाव, कई बार सोच सोच कर पूरी तरह हम भेजना चाहते हैं तनाव, और लिखते हैं समझ बूझ कर कि सब कुशल है चिंता मत करना। हम कहना चाहते हैं कि भयंकर बाढ़ है यहाँ, और कह देते हैं कि मौसम अच्छा है। हम कहना चाहते हैं कि भयंकर बाढ़ है यहाँ, और कह देते हैं कि मौसम अच्छा है। हम क्यों लिखते हैं तनाव को छुपाकर कुशलता, हम क्यों लिखते हैं तनाव को छुपाकर कुशलता, और अच्छा है कह देने से क्या मौसम हो जाता है वाकई अच्छा। पूछूंगा कभी किसी आदमी से कि क्या वह भी ऐसे ही भेजता है अपने संदेश, उसने यही तो कहा था उस दिन, उसने यही तो कहा था उस दिन कि चिंता मत करना तुम, खुश रहूंगी, और मैं निश्चिंत रहा आज तक कि वह खुश होगी भूलकर मुझे अपने घर परिवार के साथ। पता तो अभी अभी चला उसको, पता तो अभी अभी चला उसकी अंतिम यात्रा के समय कि मुझे निश्चिंत बनाकर वह कितनी चिंता करती रही मेरी हमेशा। यदि मैं पूछूं भी किसी आत्मीय से तो क्या साफ साफ बता देगा अपना दुख वह, यदि मैं पूछूं भी किसी आत्मीय से तो क्या वह साफ साफ बता देगा अपना दुख, जैसे वह भोगता है यादों के अंधेरे में चीसते हुए
तेल में बाती की तरह जलाकर हर एक सांस। पूछूंगा किसी आत्मी से कि कैसे सीख लेते हैं अधिकांश आत्मीय जन। आखिरी पंक्तियां थोड़ा ध्यान चाहूंगा। पूछूंगा किसी आत्मी से कि कैसे सीख लेते हैं अधिकांश आत्मीय जन अपनों से अपना दुख छिपाने की यह कला अच्छी और ईमानदार आदिम। पूछूंगा किसी आत्मी से किसी दिन। एक और कविता सुनाना चाहता हूं, थोड़ा समय है अभी मेरे पास, 2 मिनट के लिए यह कविता, 2 मिनट में यह कविता पूरी हो जाएगी मेरी। आऊंगा आऊंगा बारिश से भीगे खेतों पर आश्विन की धूप बनकर चमकता सा। आश्विन चल रहा है इसलिए मुझे याद आ गई इस कविता की। आऊंगा बारिश से भीगे खेतों पर आश्विन की धूप बनकर चमकता सा। आऊंगा थके हुए बदन की रगों में धारोष्ण दूध की तरह उफनता सा। आऊंगा रूठी हुई प्रेमिका की आंखों में मान भरी लालिमा लिए दमकता सा। आऊंगा आऊंगा अकेले बच्चे के पास नाचती हुई चिड़िया के परों में लचकता सा। आऊंगा आऊंगा मकई के दानों में बनकर मिठास। शरद के आसपास सूर्योदय के साथ चूमने को तुम्हारे खुरदरे हाथ। जरूर जरूर आऊंगा करना तुम इंतजार। मित्रों ये आज इन 40-45 मिनट में अपने शिक्षा जगत के और साहित्य जगत के कुछ अनुभव मैंने आपके साथ साझा किए हैं। आशा है आपको पसंद आए होंगे। जैसे भी और मैं आपकी टिप्पणियां देख करके आपकी टिप्पणियों के उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद देवेंद्र जी। देवेंद्र जी कह रहे हैं, देवेंद्र जी आपका 6 बजे तक लेने का आया है। चलिए एक दो कविताएं और सुना देता हूं मैं। और ये कविता देखिए हमारे राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ा के बारे में है यह कविता। खेजड़ा। अनुकूल मौसम में पनपते हैं कीट, प्रतिकूलताओं में नष्ट हो जाते हैं। अनुकूल मौसम में पनपते हैं कीट, प्रतिकूलताओं में नष्ट हो जाते हैं। नहीं कहीं भी नहीं है जल, दृष्टि सीमा से भी दूर हर ओर पसरी हुई है अथाह रेत। कहीं भी नहीं है जल या जल की संभावना इस मरुस्थल में। किंतु पूरी दृढ़ता से खड़ा है हरियल खेजड़ा, किंतु पूरी दृढ़ता से खड़ा है हरियल खेजड़ा। सूरज की ज्वाला को मुंह चिढ़ाता, बादलों को अंगूठा दिखलाता, रेत के प्रेम पास में बंधा मुस्कुराता वह आग में से जल निचोड़ लेने वाला पारखी। आग में से जल निचोड़ लेने वाला पार की पूरी दृढ़ता से खड़ा है जलहीन मरुस्थल का जीवन ऋषिवत। पूरी दृढ़ता से खड़ा है खेजड़ा जलविहीन मरुस्थल का जीवन ऋषिवत। समय समय तेरी चुनौती स्वीकार है हमें, दशाओं को कर सकता है अपने अधीन। समय तेरी चुनौती स्वीकार है हमें, दशाओं को कर सकता है अपने अधीन। किंतु हम भी खूब जानते हैं दिशाओं के द्वार खोलना, किंतु हम भी खूब जानते हैं दिशाओं के द्वार खोलना। और अब अंत में एक कविता जो मेरी प्रसिद्ध कविता है और जो सब लोग पसंद करते हैं, यह कविता सुनाकर देवेंद्र जी मैं विदा लेना चाहूंगा, थकान भी हो रही है थोड़ी। यह कविता है नीलकंठ के जोगी।
मूल रूप से अलवर दौसा मार्ग पर नीलकंठ नामक स्थान है और वहाँ के जोगियों को प्रतीक बनाकर मैंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग हैं उनकी ही वाणी को आवाज़ दी है। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में हम नीलकंठ के जोगी बनकर के काम करते हैं। देखिए मैं कैसे अपनी बात कहने में सार्थक रहा हूँ या नहीं। नीलकंठ के जोगी, नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते हैं, तनन तनन तन तंबूरा बनता है अंचक। अचानक को अंचक किया है मैंने। नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते हैं, तनन तनन तन तंबूरा बजता है अंचक। नीलकंठ के जोगी दिखे बहुत अकेले, नीलकंठ के जोगी लेकिन बहुत सुखी थे। नीलकंठ के जोगी दिखे बहुत अकेले, नीलकंठ के जोगी लेकिन बहुत सुखी थे। आंखों में पानी था, ताकत थी पांवों में। आंखों में पानी था, ताकत थी पांवों में। 20 कोस तक अलख जगाते थे गांवों में। नीलकंठ के जोगी टाट बिछोने पर भी दो पैरी कर लेते टीकर की छाओं में। नीलकंठ के जोगी गुड़ सत्तू खाते थे। नीलकंठ के जोगी गुड़ सत्तू खाते थे, सनन सनन सन टहला सर से शीतल झोंका बह आता है, तनन तनन तन तंबूरा बजता है अंचक। नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते। नीलकंठ के जोगी दिखे भीख मांगते, नीलकंठ के जोगी दिखे भीख मांगते, नीलकंठ के लोगी जोगी दिखे मांगते, नीलकंठ के जोगी लेकिन भर्तृहरि थे। राजोरों के ऊंचे गढ़ की गहरी घाटी, राजोरों के ऊंचे गढ़ की गहरी घाटी, बीहड़ जंगल में जीवन की ऊष्मा खाटी। नीलकंठ के जोगी नागनाथ लेते थे, बिना बुलाए आ जाते थे गोगा जाटी। नीलकंठ के जोगी ज्योत अखंड जलाए, जगर मगर उजियारा बसता है अंचक। नीलकंठ के जोगी दीखे हारे मांदे, नीलकंठ के जोगी थे पर जीवट वाले। ईश्वर का ऐश्वर्य उन्हें स्वीकार नहीं था, ईश्वर का ऐश्वर्य उन्हें स्वीकार नहीं था। स्वार्थ सिद्धि से प्यार और व्यापार नहीं था। नीलकंठ के जोगी भरे पूरे मानुष थे, सहज भाव में। नीलकंठ जोगी थे नीलकंठ के नर्तन करते प्रलयंकारी। नीलकंठ के जोगी प्यासे थे बरसों से, नीलकंठ के जोगी प्यासे थे बरसों से। नीलकंठ के जोगी लेकिन महामेघ थे। तेग और त्रिशूल चमकती थी हाथों में, तेग और त्रिशूल चमकती थी हाथों में। ज्वालामुखी धधकता था उनकी सांसों में। नीलकंठ के जोगी महाकाल के गण थे, तौर उसका सौंदर्य छलकता था आंखों में। नीलकंठ के जोगी दिखे आला गाते, नीलकंठ के जोगी दिखे आला गाते। जय हो जय हो जय हो धूम मचाते रण में। नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते हैं, तनन तनन तन तंबूरा बजता है अंचक। नीलकंठ के जोगी रात बिरात हमेशा। यह हमारे शिक्षकों और साहित्यकारों की वस्तु स्थिति। नीलकंठ के जोगी रात बिरात हमेशा चौकस रहते थे आंखें तक आक्रमणों से। नीलकंठ के जोगी मिट्टी के पुतले थे, नीलकंठ के जोगी थे नक्षत्र गगन के। नीलकंठ के जोगी याद बहुत आते हैं, तनन तनन तन तंबूरा बजता है अंचक। धन्यवाद मित्रों, आप सब लोगों ने इतना साथ दिया, मेरे को सुना। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और जैसा आपकी टिप्पणियों को अब मैं बाद में उत्तर दे सकूंगा। धन्यवाद आप सबको।